वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग ग्रैंड प्राइम पे अगर पिन लॉक पैटर्न लॉक पड़ गया है तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक ट्रिक से इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस पर है पिन लॉक और यहाँ मैं ट्राई कर रहे हैं लेकिन पिन लॉक ओपन नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पिन लाइव खोल कर दिखाऊंगा एक ट्रिक से यूज़ करके, और आप अपने मोबाइल फ़ोन का भी इसी तरह से लॉक रिमूव कर सकते हैं। पिन लॉक पैटर्न लॉक या पासवर्ड या हैंग लोगो प्रॉब्लम भी अगर आपका है, ये 3 कीज़ वाला होम की वाला अगर कोई भी सैमसंग का हैंडसेट है आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसको इस ट्रिक के यूज़ करके इसका पैटर्न लॉक पिन लॉक रिमूव कर सकते हैं। ये बीच का होम बटन अगर आपके स्मार्टफोन में है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक का। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप पैटर्न लॉक पिन लॉक तोड़ सकते हैं बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है। हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। उसके बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन से सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड इजेक्ट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। अगर आप सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड बाहर नहीं निकालते हैं तो आपका डाटा जो है वो डिलीट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो आप सिम और मेमोरी कार्ड जो है बाहर निकाल लीजिए। हमने सिम कार्ड निकाल लिया है, इसको बाहर रख दिया है। वापस से आप इसको अपना फ़ोन में बैटरी लगा दीजिए। अब बताता हूँ आपको इस ट्रिक के बारे में। सैमसंग के ऑल मॉडल के अंदर ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा डैमेज भी है लेकिन हम इसे काम चला लेंगे। आपको बता देते हैं इस ट्रिक के बारे में। यहाँ पर आपको करना ये है दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम अप डाउन होते हैं, कीज़ होते हैं, उसके बाद होम बटन होते हैं सैमसंग फ़ोन में, और ये पावर की होता है। तो आपको होम बटन और वॉल्यूम अप और पावर ऑन ऑफ की इन तीनों बटन को सेम टाइम दबा के रखना है, 5 सेकंड के लिए एक साथ दबा के रखना है आपको। इस तरह से होम बटन, वॉल्यूम अप और पावर ऑन ऑफ की इन तीनों बटन को आपको प्रेस करके रखना है जब तक कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आ जाता। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको तीनों बटन छोड़ देना है। आपके सामने आप दिख रहा होगा दोस्तों, अब ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम की का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन की है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है 5वें नंबर पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। अब यहाँ देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको आना है और पावर की से इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। वॉल्यूम डाउन से आपको फिर से नीचे आना है, यस डिलीट ऑल यूज़र डाटा पे आना है दोस्तों आपको, और पावर की से इसको एक बार सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा आएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रिव्यू सिस्टम नाउ दिख रहा होगा दोस्तों, तो आपको आपके प्रेस कर देना है पावर ऑन ऑफ की से। उसके बाद में आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका फ़ोन जो है रीसेट होना शुरू हो जाएगा, हार्ड रीसेट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है। इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना बैटरी बाहर निकालना है, ना इसको स्विच ऑफ करना है, क्योंकि इसका हार्ड रीसेट जो है ये अंदर ही अंदर हार्ड रीसेट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसके आगे का मैं स्टेप आपको बताने वाला हूँ उसको कैसे ऑल सेट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद में आपके सामने आगे का इंटरफेस आएगा, उसे कैसे सेटअप करते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसके सामने आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा वेट करने के बाद, 10 से 15 मिनट रुकने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर मेरी बैटरी जो है वो लो हो चुकी है। यहाँ पर मैं फिर भी आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है एक बार, उसके बाद स्किप पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको आई अंडरस्टैंड पे चेक लगाना है, यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक यस पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक बार फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद में ऊपर लेना है और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, यहाँ पर स्किप कर देना है आपको, स्किप और फिर स्किप करना है। उसके बाद फिनिश पे आपको एक बार लास्ट बार क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर मोबाइल पर कोई भी किसी भी तरह का पिन लॉक पासवर्ड लॉक नहीं है और इसकी मोबाइल की फ़ोन की बैटरी जो है लो हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन पर कोई भी पासवर्ड अब नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।